ओके नाउ सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या है कि अगर एन पीपल सिट अराउंड ए सर्किल टेबल तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर. तो प्लीज सुनना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए सर्किल इज एन माइनस वन फैक्टोरियल. इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एन माइनस वन फैक्टोरियल आया कैसे, बात समझ में आई? तो देखते हैं, अगर मैं फाइव पर्सन ए बी सी डी ई को एक रो में बिठाऊं तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, दैट इज फाइव फैक्टोरियल. गॉट द पॉइंट? अगर हम फाइव पर्सन को इन ए रो बिठाएं तो परम्यूटेशंस आर पॉसिबल इज फाइव फैक्टोरियल. लेकिन अगर यही केस जब वो सर्किल टेबल पे बैठते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, फोर फैक्टोरियल, बिकॉज फाइव माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज फोर फैक्टोरियल. अब समझना कि फोर फैक्टोरियल आया कैसे. तो अगर मैं ए बी सी डी ई इसी सीक्वेंस में मैं रो में बिठाऊं, इसी सीक्वेंस में रो में बिठाऊं, या ए बी सी डी ई, बस समझ में आई? ये भी इसी सीक्वेंस में बैठे हैं, लेकिन जब सर्किल टेबल की बात की जाए तो ए बी सी डी ई जब इस सीक्वेंस में बैठे हैं और रो में इस सीक्वेंस में बैठे हैं, ये सेम है. लेकिन अगर रो में बी सी डी ई ए अगर बैठा है सी डी ई ए बी डी ई ए बी सी एंड ई ए बी सी डी, ये फाइव केसेस रो वाइज डिफरेंट है, लेकिन सर्किल टेबल में ये ऑल फाइव केसेस आर सेम, बिकॉज सर्किल टेबल में आप स्टार्टिंग का पता नहीं लगा सकते. बात समझ में आई? मतलब एन फैक्टोरियल में एन का डिवीजन होगा एंड एन फैक्टोरियल में फाइव फैक्टोरियल में फाइव का डिवीजन, जितने भी केसेस थे वो फाइव से डिवाइड होंगे. मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन इज नथिंग बट एन माइनस वन का फैक्टोरियल. गॉट द पॉइंट? तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया और आपको ये पता होनी चाहिए बजाय रटने के कि सर्कुलर परम्यूटेशन में एन माइनस वन फैक्टोरियल क्यों होता. अच्छा, नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी वेज सिक्स गर्ल कैन सिट अराउंड ए सर्किल टेबल. हाउ मेनी वेज सिक्स गर्ल कैन सिट अराउंड ए सर्किल टेबल, दैट इज नथिंग बट सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज फाइव फैक्टोरियल, 120. गॉट द पॉइंट? सिंपल है. चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करता हूँ. हाउ मेनी वेज फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स कैन सिट अराउंड ए सर्किल टेबल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली. हाउ मेनी वेज फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स कैन सिट अराउंड ए सर्किल टेबल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली. उसका आंसर निकालो, ट्राई करो, सुनना. अब या तो मैं पहले बॉय को बिठा दूं या मैं पहले गर्ल्स को बिठा दूं, मैं जिसको भी बिठा रहा हूं, फाइव बॉयज अराउंड ए सर्किल टेबल फोर फैक्टोरियल वे से बैठ गए, लेट बॉय वन बॉय फोर बॉय फाइव बॉय टू बॉय थ्री इस सीक्वेंस में बैठ गए और ये हमें पता है फोर फैक्टोरियल वेज से फाइव बॉयज अराउंड ए सर्किल टेबल बैठ सकते हैं. नाउ
इन पोजीशंस पे फाइव गर्ल्स को बिठाना है. नाउ इट मैटर कि कौन सी गर्ल का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है. बात समझ में आई? अब ये जो है वो नंबर्ड प्लेस कह सकते हो या लेबल्ड प्लेस कह सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है या यहाँ से हो रही है तो मैटर करेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बंद कौन से दो बंदों के बीच से बैठना स्टार्ट हुआ. बात समझ में आई? मतलब फाइव गर्ल्स फाइव नंबर्ड प्लेसेस पे कितने तरीके से बैठ सकती है? फाइव फैक्टोरियल. और हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बिकॉज जिस भी सीक्वेंस में या जिस भी वे में वंस एक बार बॉयज बैठ गए विच इज इंडिपेंडेंट कि गर्ल्स किस वे में बैठे, तो फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल. बात समझ में आई? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं. ओके हाँ, हाउ मेनी वेज एट बॉयज कैन सिट अराउंड अ सर्किल टेबल वेयर चेयर्स आर नंबर्ड. हाउ मेनी वेज एट बॉयज कैन सिट अराउंड अ सर्किल टेबल वेयर चेयर्स आर नंबर्ड. मतलब नंबर्ड चेयर है या लेबल्ड चेयर है? मतलब चेयर पे नंबर रखा गया तो सर्किल का मीनिंग खत्म हो गया, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पता है किससे? चेयर के नंबर से. दैट्स व्हाई आंसर इज एट फैक्टोरियल. अगर सिक्स बॉयज और सिक्स चेयर्स होती तो सिक्स फैक्टोरियल. बस समझ में ही? कोई डाउट? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स हैं या लेबल्ड हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है. अगर मैं नंबर्ड चेयर की बात करूँ तो सर्कुलर और रो में कोई डिफरेंस नहीं होगा. नेक्स्ट, अब अपन सेकेंड वैरायटी पे चलते हैं. नंबर ऑफ सर्कुलर नेकलेसेस विद एन कलर्ड बीड्स. नंबर ऑफ सर्कुलर नेकलेसेस विद एन कलर बीड्स. अब सुनना, नेकलेस के केस में आर जी बी. सुनना, सर्किल के केस में आर जी बी. दिस टू केसेस आर डिफरेंट. इन केस ऑफ सर्किल सर्क्यूलर दिस टू केसेस आर डिफरेंट. लेकिन नेकलेस के केस में ये केस सेम है, बिकॉज नेकलेस के केस में जो भी सर्कुलर परमिटेशन होगा उसका मिरर इमेज आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. बस समझ में? ये केस इस केस का मिरर इमेज है. मतलब इस केस में एन माइनस वन जो फैक्टोरियल था उसके जितनी मिरर इमेज है उनको कैंसल आउट कर दो. तो इस केस में आंसर क्या होगा? एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू. जितनी भी मिरर इमेज है उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऑब्वियस है एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू की मिरर इमेज एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू, टोटल एन माइनस वन फैक्टोरियल आ गया. अगर मैं क्वेश्चन डिजाइन करके पूछूं कि हाउ मेनी सर्कुलर नेकलेसेस और गार्लेंड्स पॉसिबल विथ सिक्स कलर बीड्स, तो सिक्स कलर बीड्स का मतलब सिक्स माइनस वन का फैक्टोरियल बाय टू, फाइव फैक्टोरियल इज 120, आंसर इज 60. बात समझ में आई? तो ये हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन. इससे ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं घुमाया जा सकता. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. बस मैंने आपको क्लियरली ये बता दिया कि ये फॉर्मूले निकले कहां से, कैसे इनको डिराइव किया गया है. गॉट द पॉइंट? ओके.